हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कितने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर एक फॉर्म भरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें सब डिटेल्स लिखी होती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, क्या क्या जो है कि आपको क्रमवाइज देना है, और जो डॉक्यूमेंट आप ले गए रहते हैं उसको सबको क्रमवाइज अरेंज करना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें जो है कि क्रम लिखा रहता है कि सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, उसके बाद कौन सा दिखाना है, उसके बाद कौन सा दिखाना है, तो यह जो है कि पूरा उस पर लिखा रहता है, उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना होता है। और फ्रेंड्स एक चीज और, कि जब आप कोई जॉब निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो आपके पास एक मेल आता है और उस मेल में पूरा सब कुछ लिखा रहता है कि इस तारीख को आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और इतने डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, यह डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना फोटो ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3-4 आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, क्योंकि वहां पर आपको 2-3 फोटो लगेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका 2-3 फोटो लगता है, तो आपको 4-5 काफी फोटो ले लेना है। उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे, मतलब जो फॉर्म भरे थे एग्जाम का, वह आपका फॉर्म प्रिंट करा लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रिंट आउट आप जब फॉर्म भरते हैं मिलता है तो उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी ले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आधार कार्ड हो गया, चाहे पैन कार्ड हो गया, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो, आपको एक जो है कि आईडी ले लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रिज़ल्ट आया है उसकी कॉपी ले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी आपको कॉपी ले लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट ले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, 10th 12th और ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट रख लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, अगर जो आप जॉब निकाले हैं उसकी एलिजिबिलिटी 12th तक है तो आप 12th तक ही मार्कशीट ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर अगर आपने एजुकेशन में ग्रेजुएशन भरा है तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट रख लेनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तब आपको जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाना है। अगर आपने जनरल कैटेगरी भरा है तो वहाँ पर आपका वैसे ही काम चल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको ले जाना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको करना है कि जो यह सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं उसकी 3-4 कॉपी करा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, उसकी 3-4 कॉपी करा लेनी है और साथ में वर्जिनल भी ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपका वर्जिनल चेक किया जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो है कि 2-2 सेट जो है कि यह सब डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगती है, आपको जमा करना पड़ता है, तो यह सभी चीज़ें आपको ले जानी है। और जो क्रम आपके फॉर्म में दिया गया है उसी क्रम के अनुसार आपको अरेंज करना है और उनको दिखाना है।
तो फ्रेंड्स वहाँ पर जब आप जाएंगे यह सब लेकर के, तो आपको जो है कि एक कमरे में बैठा दिया जाएगा और मेरिट के हिसाब से नाम बोला जाएगा। तो जब आपका क्रम आएगा तो उसके बाद उसी हिसाब से जब आप ले जाएंगे यह सब डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना प्रोसेस होता है, यह सभी डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।